हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको लेसन नंबर फोर्थ एनिमल जगत पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि वर्गीकरण का आधार कुंजी लक्षणों को बनाया गया है। वर्गीकरण किसे कहते हैं, आपको बताया कि जीवों को समानता और असमानता के आधार पर छोटे और बड़े समूहों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है या उन्हें बांटा जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, अरस्तु ने भी जीवों का क्या है, वर्गीकरण किया, और अरस्तु ने भी जीवों का वर्गीकरण दो समूहों में किया, एनाइमा और इनेइमा। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एनेइमा और इनेइमा के नाम से किया। देखिए, एनेइमा मैंने बताया कि ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा संख्या जंतु होते हैं। एनेइमा जिनके रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इनेइमा ठीक है, समूह के जंतु होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक जराइज होते हैं वेविपारस और दूसरे होते हैं अंडर, जिनको बोलते हैं ओविपारस। जराइज वे जंतु होते हैं जो बच्चों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। अंडज वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, और ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या है, जराइज कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार हमने आपको बताया। जंतुओं के वर्गीकरण के कई आधार हैं जिन पर हम कई दिनों तक चर्चा करेंगे, कई वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। पहला हमने जो आपसे बात की थी, कोशिका की संख्या के आधार पर, ठीक है, कोशिका की संख्या के आधार पर मैंने आपको बताया कि जो जीव जगत होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो जगत के जीव होते हैं उनके उन जंतुओं के शरीर में एक कोशिका पाई जाती है, अर्थात वे जंतु जो एक कोशिका से बने होते हैं वो प्रोटोजोआ जगत होता है। मेटाजोआ जगत वे जंतु जिनका शरीर बहुत सारी या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें मेटाजोआ कहते हैं। देखिए, इसके बाद हमने बात की थी शरीर के संगठन के आधार, किसके ऊपर, शरीर के संगठनों के आधारों पर आपसे बात की। देखिए, मेटाजोआ जो जगत के जीव होते हैं उनमें जंतुओं के शारीरिक संगठन के आधार पर जंतुओं को चार भागों में बांटा गया है, जीवद्रव्य संगठन, कोशिकीय संगठन, ऊतकीय स्तर और अंगतंत्र स्तर। इन चारों भागों पर हम आपसे लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके। आज जो हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं वो है नंबर एक, सम्मिति के आधार पर, किसके आधार पर, सम्मिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। देखिए, बात करते हैं सम्मिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। सम्मिति के आधार पर, सममिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, यह हमारा तीसरा बिंदु है, जीवों के वर्गीकरण का आधार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सममिति के आधार पर, सम्मिति के आधार पर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि सम्मिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया। देखिए, सम्मिति के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, जंतुओं को सम्मिति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, कौन कौन से भाग होते हैं, नंबर एक असम्मिति, ठीक है, और दूसरा होता है अलीय सम्मिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है।
देखिए नाम से आपको लग रहा है एसिमेट्री पे हम बात कर रहे हैं, तो इस पर देखिए सबसे पहले देखिए ए का अर्थ होता है अनुपस्थित, सम्मिति का मतलब सम्मिति, ऐसे जंतु जिनमें सम्मिति का अभाव होता है, सम्मिति नहीं पाई जाती, ऐसे जीव या ऐसे जंतु जिनमें सम्मिति नहीं पाई जाती। एका अगर इंग्लिश में देखा तो एका अर्थ होता है एब्सेंट, सिमेट्री का अर्थ होता है सम्मिति, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें सिमेट्री क्या होती है, अनुपस्थित होती है। पहले यह समझना होगा कि सम्मिति क्या है, ठीक है। देखिए कोई जीव है, जैसे हम ये अमीबा नाम का एक जंतु है, ठीक है, ये अमीबा का डायग्राम दिखा है। इस अमीबा को हम या तो इस अक्ष से काटें तो भी दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, या हम इस अक्ष से इसको काटें तब भी ये अमीबा जंतु है, ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, इसलिए ये क्या कराएगी, असममिति है। जब किसी जीव को किसी भी अक्ष से काटा जाए, जब किसी जीव को किसी भी अक्ष से क्या है काटा जाए और काटने पर वह जीव दो बराबर भागों में न बटे तो उसे क्या कहते हैं, असममिति कहते हैं। असममिति किसे कहते हैं, जब किसी जीव को किसी भी अक्ष से, इस अक्ष से काटे चाहे इस अक्ष से काटे, किसी भी अक्ष से काटने पर यदि दो बराबर भागों में वो विभाजित न हो, न बटे, तो वो कहलाती है असममिति। खास तौर से जो अमीबा है, ठीक है, या स्पंदी जंतु होते हैं उनमें असममिति पाई जाती है। असममिति किसमें पाई जाती है, अमीबा है या स्पंदी जो जंतु होते हैं उनमें असममिति पाई जाती है। देखिए अगर कुछ स्टैंडर्ड की बुकों में देखेंगे तो सम्मिति वहां पर दो ही प्रकार की मिलेगी, दूसरा होता है सम्मिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक, ऐसे जंतु जिन्हें किसी एक अक्ष से काटा जाए या किसी भी अक्ष से काटा जाए तो वो दो भागों में बराबर बढ़ जाते हैं। जैसे मनुष्य है, इसको ऐसे काटा जाए, ठीक है, लंबवत काटा जाए, ठीक है, तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनको, ठीक है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी अक्ष से काटे हैं तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो क्या कहलाते हैं, सममिति। ऐसे जंतु जिन्हें किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे सममिति कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, कई बुकों में लिखा है कि सममिति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, और ये सममिति और दूसरा कौन सी होती है, द्विपार्श्व। या हमने आपको सम्मिति के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांट दिया, असममिति, आर्य सम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति, इसलिए मैंने यहां पे सम्मिति का बारे में भी आपसे बात कर ली। बात करते हैं आर्य सम्मिति के बारे में, रेडियल सिमेट्री क्या है, क्या है, रेडियल सिमेट्री पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए रेडियल सिमेट्री में क्या है, इस पर बात करें तो देखिए, जब कोई जीव है और उस जीव को किसी भी अक्ष से, जब किसी जीव को किसी भी अक्ष से या किसी एक तल से केंद्र से गुजरने वाली, किससे, केंद्र से गुजरने वाली कांटों से क्या है, काटा जाता है, तो वह दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, वह जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्य सम्मिति कहते हैं। जैसे सिलेंटेटा संघ के जंतु होते हैं, टीनोफोरा संघ के जंतु होते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के कुछ जंतु होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, आर्य सम्मिति पाई जाती है। देखो मैं आपको बता रहा हूं आर्य सम्मिति के लिए, ये एक क्या है, टीनोफोरा संघ का जंतु, इस तरीके की संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका केंद्रीय अक्ष है, ठीक है। अब इस जंतु को अगर यूं काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में बट जाएंगे बेटा, या फिर इस जंतु को ऐसे काटा जाए तब भी ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, आर्य सम्मिति कहते हैं। जब किसी जीव को, जब किसी जीव को किसी भी अक्ष से, ठीक है, काटा जाए तो काटने पर वह जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसे आर्य सम्मिति कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। मैंने आपको बताया सेलेंटेटा जिसको निडेरिया संघ के नाम से भी जाना जाता है, निडेरिया संघ के कुछ जंतुओं में आर्य सम्मिति पाई जाती है, टीनोफोरा संघ के जंतुओं में आर्य सम्मिति पाई जाती है,
इकाइनोडर्मेटा संघ के कुछ जंतुओं में भी क्या पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। पर यहां पर एक अपवाद में आपको बताना चाह रहा हूं, जो तारा मछली होती है स्टार फिश होती है, ध्यान से सुनना, स्टार फिश जो होती है जिसको तारा मछली के नाम से जानते हैं, स्टार फिश का जो लार्वा अवस्था होता है, स्टार फिश के लार्वा अवस्था में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको बता दो, स्टार फिश के लार्वे के अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कौन सी सममिति पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। परंतु वयस्क, अगर स्टार फिश की बात करें, आपसे पूछा जाए कि वयस्क तारा मछली में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है, तो वयस्क स्टार फिश के अंदर पंच अरीय सममिति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? पंच अरीय सममिति पाई जाती है। इसलिए आपको वहां पे दिया होगा कि तारा मछली के लार्वे में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और तारा मछली के वयस्क अवस्था में या वयस्क तारा मछली में पंच अरीय पंच अरीय सममिति पाई जाती है। क्लियर बात हो गई यहां तक? और इस समूह के जो जंतु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेडिएटर कहा जाता है। इस समूह के जंतुओं को क्या कहा जाता है? रेडिएटर कहा जाता है, रेडिएटर कहा जाता है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, द्विपार्श्व सममिति क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या है। ठीक है, जैसे आप मनुष्य देख लीजिए, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अब मान लीजिए हमने एक तलवार ली और तलवार को ऐसे काटा हमने, ठीक है, तो आप देखेंगे मनुष्य का शरीर दो बराबर भागों में बट जाएगा। भैंस है, ठीक है, उसको अगर ऐसे काटा जाए मुंह से और पूंछ की तरफ, यानी कि तो उसकी रीढ़ हड्डी के बीचों बीच में से काटा जाए तो भैंस दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो द्विपार्श्व सममिति किसमें पाई जाती है, मैं आपको बता दूं, एक तो कोऑर्डिनेटर संघ के जंतुओं में पाई जाती है, दूसरी आपने देखा होगा इस तरीके से एक जंतु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैचवा या अर्थवर्म के नाम से जाना जाता है। ये कैचवा या अर्थवर्म होता है वो एनिलिडा संघ का जंतु है, और इसको अगर इस अक्ष से ऐसे काटा जाए तो दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं, कौन से जंतु? आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं, देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें भी इस तरीके की क्या पाई जाती है, ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, ठीक है, इस तरीके की संरचना आप देख रहे हैं यहां पर। देखो भी ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु, यदि इसको इस अक्ष से काटा जाए तो दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अधिकांश कोऑर्डिनेटर जंतु, ठीक है, एनिलिडा संघ के जंतु और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, कुछ मोलस्क संघ के जंतु होते हैं, उनमें भी क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। जब किसी जीव को केवल एक अक्ष से काटा जाए, तो वह दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है। मैंने बात की, तीसरा पॉइंट है जीव का वर्गीकरण का आधार, जीव का वर्गीकरण का तीसरा आधार है सममिति के आधार, ठीक है। सममिति जीवों में तीन प्रकार की पाई जाती है, असममिति ऐसे जीव जिनको किसी भी अक्ष से काटने पर उनका उन जीवों का शरीर दो बराबर भागों में बंटता नहीं है, उसे असममिति कहते हैं, जैसे अमीबा है, स्पंजी जंतु है। अरीय सममिति ऐसे जंतु जिन्हें किसी भी अक्ष से काटा जाए और काटने पर यदि वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो क्या कराती है, अरीय सममिति कहते हैं। चिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं टीनोफोरा, कुछ इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में अरीय सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति ऐसे जंतु जिनमें केवल एक ही अक्ष से, ऐसे जंतु जिन्हें केवल एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में काटा जाए, ऐसे जंतु जिन्हें किसी एक ही अक्ष से
काटा जाए तो वह दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है। द्विपार्श्व सममिति अधिकांशतः कॉर्डेट असंख्य जंतुओं में पाई जाती है, एनिलिड असंख्य जंतुओं में पाई जाती है, आर्थ्रोपोड असंख्य जंतुओं में पाई जाती है और मोलस्क असंख्य जंतुओं में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है वर्गीकरण का चौथा आहार जिसको हम बोलेंगे खंडी भवन। कौन सा भवन, खंडी भवन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए खंडी भवन सेगमेंटेशन, अगला वर्गीकरण का आहार है खंडी भवन सेगमेंटेशन। देखो अभी मैंने ये ऐसा डायग्राम बनाया था आपने देखा, और ये डायग्राम आपका है कैचवे का, ठीक है। कैचवा जंतु का जो शरीर होता है वो क्या है, खंडों में क्या होता है, बटा होता है। किसमें बटा होता है, इस तरीके से खंडों में बटा होता है। ऐसे जंतु जिनका शरीर खंडों में बटा हो उसे क्या कहा जाता है, खंडी भवन कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनका शरीर खंडों में क्या होता है, बटा होता है, उसे खंडी भवन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं खंडी भवन के प्रकार, टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, खंडी भवन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है, दो प्रकार का खंडी भवन पाया जाता है। एक होता है वास्तविक खंडी भवन, ठीक है, वास्तविक खंडी भवन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और दूसरा होता है सतही खंडी भवन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, ठीक है। तो वास्तविक खंडी भवन होता है, दूसरा कौन सा होता है, सतही खंडी भवन होता है। देखिए वास्तविक खंडी भवन पर हम बात करने जा रहे हैं कि भाई वास्तविक खंडी भवन क्या है। देखो आर्थ्रोपोडा संघ जंतु होते हैं या एनिलिडा संघ जो जंतु होते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा या एनिलिडा संघ जंतु, इनके अंदर क्या है, ये खंडों में बटा है शरीर। देखिए यहां पर ये बाहर से भी खंडों में बटा है और अंदर से भी खंडों में बटा, देखो बाहर से भी खंडों में बटा है, अंदर से भी खंडों में बटा है, तो उसे तो कहते हैं वास्तविक खंडी भवन। क्या कहते हैं, वास्तविक खंडी भवन, अर्थात ऐसे जंतु जिनका शरीर बाहर से और अंदर से, ऐसे जंतु जिनका शरीर बाहर से और अंदर से, अर्थात बाहर की ओर और भीतर की ओर दोनों ओर स्पष्ट रूप से क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। दोनों ओर स्पष्ट रूप से यहां पर क्या पाए जा रहे हैं कि खंड पाए जाते हैं, दोनों तरफ स्पष्ट रूप से क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक खंडी भवन कहते हैं। ऐसे जंतु जिनके शरीर पर बाहर से और अंदर से स्पष्ट रूप से क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, उसे वास्तविक खंडी भवन कहा जाता है, ठीक है। अर्थात बाहर और भीतर दोनों स्पष्ट शरीर जो होता है वो खंडों में बटा होता है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। देखो सतही खंडी भवन की बात करें, ठीक है, सतही खंडी भवन में जैसे आपको बता दूं टीनिया सोलियम, उसका ये वाला भाग इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरीके के टीनिया सोलियम होता है, परंतु इसका आंतरिक भाग, ये बाहरी भाग है, ये आंतरिक भाग। सतही खंडी भवन ऐसे जंतु जिनका शरीर बाहर से तो खंडों में बटा होता है, बाहर से तो खंडों में बटा होता है, परंतु आंतरिक जो भाग होता है वो खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। ऐसे जंतु जिनका शरीर बाहर से खंडों में बटा होता है तथा अंदर से खंडों में बटा हुआ नहीं होता है, उसे वास्तविक खंडी भवन कहते हैं।
जैसे टीनिया सोलियम के अंदर मैंने आपसे बात की, किसमें? टीनिया सोलियम के अंदर। टीनिया सोलियम एक जंतु होता है जो परिजीवी के रूप में जंतुओं के शरीर के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, उनमें वास्तविक खंडीय भवन नहीं पाया जाता, बल्कि उनमें कौन सा खंडीय भवन पाया जाता है? सतही प्रकार का खंडीय भवन उनमें पाया जाता है। तो खंडीय भवन किसे कहते हैं? वे जंतु जिनका शरीर खंडों में बटा होता है उसे वास्तविक खंडीय भवन कहते हैं। वास्तविक खंडीय भवन, सॉरी, वे जंतु जिनका शरीर खंडों में बटा होता है उसे खंडीय भवन कहते हैं। खंडीय भवन दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक खंडीय भवन और दूसरा होता है सतही खंडीय भवन। वास्तविक खंडीय भवन ऐसे जंतु जिनका शरीर बाहर से और अंदर से अर्थात दोनों ओर से, ठीक है, स्पष्ट रूप से उनका शरीर खंडों में क्या होता है? बटा होता है, उसे वास्तविक खंडीय भवन कहते हैं। सतही खंडीय भवन ऐसे जंतु जिनके शरीर पर केवल बाहर की ओर तो क्या पाए जाते हैं, बाहर की सतह पर तो खंड पाए जाते हैं, परंतु आंतरिक सतह पर या अंदर की ओर क्या है, उनका शरीर अंदर की ओर उनका शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं पाया जाता, उसे सतही खंडीय भवन या सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट बिंदु पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है देह गुहा की उपस्थिति के आधार पर। वर्गीकरण का नेक्स्ट आधार है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, देह गुहा की उपस्थिति के आधार पर। देह गुहा की उपस्थिति के आधार पर, देह गुहा की उपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड या क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलम का अर्थ होता है देह गुहा। तो जीवों के वर्गीकरण का नेक्स्ट आधार है वो मैंने आपको बताया देह गुहा की उपस्थिति के आधार। देखिए जंतुओं का जो शरीर होता है, ठीक है, उस शरीर में क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है। और वो गुहा किससे बनी होती है? मीजोडर्म के स्तर से क्या होती है? बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? मीजोडर्म के स्तर से क्या होती है? बनी हुई होती है। यानी कि जंतुओं का जो शरीर होता है, ठीक है, शरीर में क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है जो मीजोडर्म से क्या होती है? आश्रित होती है। उसे क्या कहते हैं? देह गुहा कहते हैं। देह गुहा कैसे बनती है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए जीवों के अंदर क्या है, जब नर और मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो संयोग करता है, संयोग के बाद उनमें क्या होता है? युग्मकों का निषेचन होता है, निषेचन के बाद उनमें विदलन की क्रिया होती है, विदलन के बाद उनमें कोरको कहने की तूतक का निर्माण होता है, तूतक के बाद उनमें कोरक का निर्माण होता है, और कोरक के बाद कोरक गुहा का निर्माण होता है, ब्लास्टोसील कैविटी का निर्माण होता है। यही कोरक गुहा के द्वारा यहाँ पर क्या बन जाती हैं? तीन स्तर बनते हैं आगे जाकर के, जिनको जन्म स्तरों के नाम से जाना जाता है। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कौन सा स्तर का निर्माण होता है? मीजोडर्म के स्तर का निर्माण। इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे जीव, ठीक है, या ऐसे जंतु जिनके शरीर में उपस्थित गुहा, शरीर में उपस्थित गुहा जो मीजोडर्म के द्वारा क्या है? आस्तित रहती है, ठीक है, मीजोडर्म के द्वारा घिरी हुई होती है, उसे देह गुहा कहते हैं। या हम कह सकते हैं जंतुओं के शरीर में उपस्थित गुहा जो मीजोडर्म से आस्तरित होती है, कवर्ड होती है, उसे देह गुहा कहा जाता है। देखिए देह गुहा के प्रकार पर हम बात करने जा रहे हैं। देह गुहा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, टाइप ऑफ सीलोम। देह गुहा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अगुहीय, अगुहीय इंग्लिश में बोलते हैं ए सीलोमेट,
दूसरी होती है कूट गुही है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीडोसिलोमेट। और तीसरा होती है जिसको बोलते हैं यूसिलोमेट, जिसको वास्तविक देहगुहा भी कहते हैं, यूसिलोमेट जिसको हम वास्तविक देहगुहा भी कहते हैं। इसे क्या है, अवास्तविक देहगुहा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए तो देहगुहा की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, या हम कह सकते हैं जीवों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। जंतुओं के शरीर में उपस्थित गुहा जो मीजोडर्म के द्वारा स्तरित होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे देहगुहा कहते हैं। देहगुहा तीन प्रकार की होती है, एगुही है, कूटगुही है और यूसिलोमेट प्रकार की होती है। देखिए इन गुहाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप भेज करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।